स्मार्ट नौकरी, मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स ट्रेड्समैन जो आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है उससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा आज रिलेटेड ही है यहाँ पे कि क्या एग्जैक्ट क्या, मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है अब और मुश्किल होगा सिलेक्शन का। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है सारे बच्चों के यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, सबके स्टूडेंट्स के सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये थोड़ा सा बताना मुझे काफ़ी, मतलब इतना से देखा जाता है थोड़ा सा बैड न्यूज़ ही है आप लोगों के लिए कि हाँ किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्यों आने वाला है आपका सिलेक्शन। आज मैं ये थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी, जॉब और छोटे से लेके बड़े तक के सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है। छोटे से चाहे वो इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, फिर भी हम स्टूडेंट को चाहेंगे कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैं स्पेशली चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है। देखो, बहुत बच्चे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है और सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस बार जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी वाले बच्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले भी बहुत सारे बच्चे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ओबीसी की भी कास्ट के बहुत सारे बच्चे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो जब कट ऑफ आएगी तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कट ऑफ में। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब और मुश्किल होगा सिलेक्शन का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैसा हो रहा है कि जो कट ऑफ को लेके डिसीजंस लिया गया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आपके कट ऑफ इस बार आने के चांसेस हैं। एटलीस्ट जनरल कैटेगरी का तो 70+ में है, क्योंकि बहुत बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ पे बहुत इजी गया है, सारे जो जनरल पेपर हैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सबका यहाँ पे बहुत अच्छा गया है एंड बच्चे भी काफ़ी इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के यहाँ पे चांसेस हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको कट ऑफ का वीडियो बताया था कि जो जनरल कैटेगरी उनका 70 जाएगा एंड ओबीसी वालों का 65 जाएगा या फिर 66 तक कुछ रहेगा उनका। ठीक है, मगर अब जाके जब सब बच्चों का सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिले उनसे सब कुछ उनके जानने के बाद, हाँ उनके पेपर भी बहुत अच्छे गए हैं, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन के पेपर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे गए हुए हैं, तो कट ऑफ ऊपर से प्लस बच्चे लोग ने काफ़ी इस बार एग्ज़ाम दिया भी है यहाँ पे, तो ये सब कुछ जानने के बाद मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। अगर जिसका बहुत ही बेस्ट पेपर गया है उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आ रहे हो तो शायद आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका 60 तक या 65 तक रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम सिलेक्शन में आने वाला है जनरल कैटेगरी वालों का, क्योंकि जनरल कैटेगरी में एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं एंड प्लस बहुत बच्चों के पेपर्स अच्छे गए हुए हैं, तो अच्छे पेपर्स आने के बाद आप समझ सकते हो कि कट ऑफ भी क्या जाने वाला है, एबो ही जाने वाला है, 70 के प्लस ही जाएगा आपका। तो आज मुझे कमेंट्स करके बताना गया है कि आपको कितने परसेंटेज मिलने हैं, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि हाँ इतने परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे लोग नहीं गए हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट से सारे आंसर लेने के बाद कि हाँ आपके पेपर्स कैसे गए हैं सब कुछ के बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका 65 के ऊपर आ रहा है, वो लोग यहाँ पे क्या करोगे आज कमेंट्स करोगे कि आपका 65% आ रहा है, 66 आ रहा है, एज वो मतलब आप पेपर दे के आए हो आपको पता होगा कि आपके पेपर्स किस तरीके से गए, हार्ड गया है इजी गया है, वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, अपना ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा एटलीस्ट 60% आ जाएगा, 65 आ जाएगा, आपको अपना परसेंटेज बताना है कि आपके हिसाब से आपका क्या एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है या फिर आपका कितना मतलब मार्क्स आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है वो आपको बताना, और आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो भी आपको बताना। ठीक है, तो एक फाइनल में अच्छे तरीके से कट ऑफ आपका हर एक कैटेगरी के अलग अलग बना के कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को बैठे हैं, कितने मतलब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, पूरा एक तरफ से मैं लिस्ट बना के आपको क्या करूँगी अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी, तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा जनरल कैटेगरी वालों का मैं बोल सकती हूँ थोड़ा ज़्यादा जाने के चांसेस यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आने का मतलब सिलेक्शन में थोड़ा सा मुश्किल होना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ जाता है, हो सकता है। और दूसरा, जब आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे उसके बाद कहाँ पे प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है,
और डॉक्यूमेंट्स में भी क्या प्रॉब्लम आती है, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, ओबीसी का वैलिड डेट का नहीं होगा, तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये मैं एकदम बोलती हूँ ना, काफ़ी हाईलाइट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक अपने वीडियोस में काफ़ी रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट को निकाला गया, खुद हमारी क्लासेस के एक दो बच्चे ही निकाले गए हैं, सिर्फ उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम की वजह से ही निकाला गया है। उनको 2 दिन के लिए टाइम दिया था, पर 2 दिन में आप सबको पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है। तो इससे मैं आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, अभी से कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर करके रखिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस यही 2 चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सिलेक्शन थोड़ा सा उनका मुश्किल होना है क्योंकि उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए अभी से आप क्या करो, बी प्रिपेयर्ड होके रहो, ठीक है। तो मेरे पास जैसे छोटे से लेके बड़े तक सारे इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। आज आपको कमेंट्स करना है कि आपके कितने परसेंट आ रहे हैं, आपके हिसाब से आप पेपर देके आओ, मुझे आपको क्या चाहिए कमेंट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।